वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता जी। डेज दिन की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत हो जाने के पहले मैंने बहुत ढेर सारा कली सामान मंगा लिया था, पर कल ऑर्डर नहीं आया था। मेरी शॉप जल्दी बंद हो गई थी, इसलिए भी ऑर्डर आ चुका है। मेरे को भी पूरे सेट करना है और पूरा स्टोर मेरे को भर देना है सारी चीज़ों से, इसलिए घर कस्टमर आए ना उसको कुछ चीज़ की कमी ना पड़े। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को कुछ बाय करना है, बाय कर लेता हूँ। मेरे को स्टोरेज करने वाला बाय करना है एक। मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने पैसे, मेरे को एक 100,000 वाला 100 वाला मैंने कर देता हूँ। कर देने के बाद वो आ जाएगा, तब तक देख लेता हूँ। दुकान तो पूरी खाली दिख रही है, इसलिए मैं जाता हूँ आजू बाजू देखता हूँ। देखने के बाद मैंने सारी चीज़ मंगाई थी उसमें से ले के कोशिश करता हूँ कि कुछ कुछ रखने लगूँ, तब तक वो स्टोर करने वाला आ जाए। चलो खोलते हैं फटाफट, इसके कैश में क्या है। ये नई चीज़ आई है, क्या आई है मेरे को नाम नहीं पता है, देख लेते हैं। गोल्डन, इसके प्राइस सेट करता हूँ 2 रुपये लग लेता हूँ। मेरे को अभी सबकी प्राइस सिमिलर रखनी है, अभी नेक्स्ट वीडियो में सारी कर दूंगा। ये आ गया, इसको भी मेरे को सेट करना है। कहाँ करूँ इसको, नहीं ऐसे नहीं रखना है, उसको खोलना है। खुलता कैसे वो नहीं मेरे को पता चल रहा है कि इसको खोलूँ कैसे। नहीं नहीं वैसा वापस वैसे रखा, नहीं नहीं खुल गया। अभी इसको इधर रखूँ, मस्त सेट हो गया। मैं फटाफट सारी चीज़ ले लेता हूँ, फिर से ऑर्डर कर दूँगा। मेरे कांच है, कांच में इसमें क्या है, इसमें है क्या, खोल क्यों नहीं जरा, रखा रहा नहीं है कुछ चीज़ इसमें रखने की कुछ। नहीं, इसको ऊपर रख देता हूँ। कोई तेल है आई थिंक, हाँ तेल ही है, सनफ्लावर। इसका पैसा सेट कर दिए, अभी दूसरी चीज़ लेने चलते फटाफट काम करते, क्योंकि अभी ग्राहक का टाइम है और अपन सारे कस्टमर आएंगे। ये तो पानी की बोतल है, पानी की बोतल इधर रखने की कोशिश करो, पर नहीं जाएगी। इसके लिए स्पेशल फ्रिज चाहिए, मैंने कल भी बोला था कि पानी की बोतल मंगा तो ली, इसके लिए फ्रिज चाहिए। इसको कहा पहले, मैं अभी जाके बाहर रख देता हूँ इसको, फिर इसका कुछ सोचता हूँ कि इसका क्या करना है। इधर रख देता हूँ सही से। चलो दूसरी चीज़ें उसको अंदर ले लेता हूँ। क्या इसमें, अरे बॉक्स फेंक दिया मैंने, अरे भाई खोलना, पूरा बॉक्स फेंक दिया मैंने वापस। रखने जा रहा हूँ तो बॉक्स फेंका जा रहा है पूरा नीचे। हाँ इसकी भी प्राइस सेट कर देते। क्या है, शुगर, मेरे को भी सिमिलर सबकी प्राइस कर देनी है, क्योंकि बहुत पैसे कम गिर रहे मेरे पास सारी चीज़ लेने के। नई शॉप है इसलिए कस्टमर भी अच्छे से आ रहे हैं, इसलिए अपन थोड़ी प्राइस बढ़ा देंगे तो किसी को कोई ऐतराज़ ना होगा। अभी इस पानी की बोतल को अंदर ले लेता हूँ, उधर अंदर किधर रख देता हूँ, कोने बोने में पड़ी रहेगी ऐसे ही। इधर किधर रखो, भूल क्यों जा रहा है, इधर रखो, नहीं हो रही है सेट, नहीं हो रही है, इधर नहीं हो, मैं वो कोने में के रखने की, दोनों के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ रखने की कोशिश करता हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है, उधर बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ इसको कस्टमर को कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। अभी सारी चीज़ हो गई, अभी थोड़ी चीज़ क्या मंगानी है, अभी तो थोड़ी चीज़ मंगानी है, मंगा लेते हैं चलो फटाफट। एप्पल, ऑरेंज और क्या मंगाना है, दो ही चीज़ मंगानी, मंगा लेते हैं दो चीज़ आ जाएगी। शॉप ओपन करेंगे तुरंत ही सारी चीज़ आ जाएगी, ओपन करते ही सारी चीज़ आ जाएगी। आ गई, देखो एप्पल आ गए, एप्पल को रख देते फटाफट, कस्टमर भी आ गए। अभी और थोड़े एप्पल मंगाने का सोच रहा हूँ, मंगा लेते हैं, क्योंकि जगह तो है थोड़ी मेरे पास, क्योंकि बाजू वाला नया जो लिया है वो तो पूरा खाली पड़ा है। अभी देखो मंगा लेते, ये क्या आ रहा है, परचेस करने का बोल रहा है, 600,000 का है। एप्पल मंगा लिया,
आ जाएगा। चलो तब तक कस्टमर आ गए, तो कस्टमर बताने लगते फटाफट। चलो आ गए, पहले सोचते कि एक चीज़ ही पड़ी है तो उसे डाल देते, तब तक दूसरी चीज़ आ जाएगी। इसको सेट कर देते, थोड़ा ऊपर डाल दो। हाँ बराबर हो गया। इसमें डस्टबिन में डालने के बाद फटाफट फटाफट फटाफट, कस्टमर को बुरा नहीं लगना चाहिए कि लेट होता है। अपना काम सर्विस सबसे बेस्ट देंगे, सबसे अच्छी सर्विस देंगे। 1.57 रुपीस। फटाफट करेंगे कस्टमर को। इनका तीन चीज़ें 6.03 रुपीस। हाँ इसका डायरेक्ट 6 रुपये काटता तो भी चले जाता है, इसका किसी कुछ रिटर्न नहीं देना है। फटाफट फटाफट ऑयल, फटाफट फटाफट थोड़ी चीज़ बाय कर लेते, बाय कर लेते, क्योंकि अभी थोड़ी चीज़ मैंने नहीं की थी, आधी चीज़ की थी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी ना, इसलिए फिर मैंने नया खरीदा, उसमें तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है। चलो इसमें से थोड़ी चीज़ मंगा लेते, तब तक कस्टमर आते फटाफट बता देते इनका। फटाफट फटाफट तीन ही चीज़ें इनको 41 रुपीज़ और 50 पैसे रिटर्न करने में, तो इससे ऐसी चीज़ रिटर्न करने में बहुत तकलीफ होती है फटाफट में, इसलिए मैंने बोला कि सिमिलर प्राइस रख दो सबकी, 2 रुपया 4 रुपया 3 रुपया, क्योंकि उस पैसे में देने का वहीवट ही बंद कर देना है। ऐसे तो चलते नहीं है, पर इधर बंद कर देंगे तो अच्छी रहेगी, अपना काम निकलता रहेगा। तो इनका 2 एप्पल और ऑरेंज फिर बाद में करते, पहले इस चीज़ आगे रख देते, क्योंकि कस्टमर आते जा रहे और आते जा रही है, चीज़ पड़ी रहेगी तो कुछ लेंगे। अभी इधर रख देता हूँ, नई चीज़ लाया ना उसमें रख देता हूँ, स्टोर करने वाला है उसमें रख देता हूँ। चलो कुछ आ गया, दूसरी चीज़ भी आ गई, इसको भी ले लेते फटाफट, सेट कर देते हैं। इनको इधर उधर सेट फटाफट फटाफट कर देते, क्योंकि कस्टमर को कुछ तकलीफ नहीं गिननी चाहिए। अपन को कस्टमर भगवान होते, कस्टमर के लिए कुछ भी करेंगे। ऑरेंज ऊपर रख देता हूँ, एप्पल के साथ रखता हो तो क्या जात नहीं रखाएगा, दोनों की प्राइस अलग अलग इसलिए नहीं रखाएगा, नहीं तो शायद रखा जाता, पर दोनों की प्राइस डिफरेंट है ना, इसलिए ये चीज़ नहीं रखा पा रही है। चलो इनका फटाफट बता देते, 2 एप्पल अपन वापस आ गया डिलीवरी। अभी मैं क्या करूँगा, कल गया अभी ख़त्म होगा उससे पहले सारी चीज़ रख दूँगा, से मेरे को तकलीफ ना हो जाए कुछ, नहीं इधर नहीं रख पाएगा, नहीं रखाएगा, उसके लिए ऐसा चाहिए, स्लिम चाहिए, लकड़े वाला नहीं चाहिए। कॉफ़ी है, कॉफ़ी फटाफट रख देते इसको। कस्टमर की लाइन लग गई है, बाप रे जल्दी जल्दी अंकल, अब भी आपका काम बता देते, अंकल ने तो लड़काई है। हो गया चलो, थोड़ी देर रोज का भी काम बच जाएगा। नहीं नहीं 606 रुपये नहीं काटने भाई, इतने तो कोई ग्राहक लेता ही नहीं है। फटाफट में मेरे का कौन सा भी अंक दबा जाता है, 5.67 है। अभी इनके 5 चीज़ें 14.14 5.16 रिटर्न देने हैं। जल्दी जल्दी कस्टमर का करेंगे, अभी बहुत पैसा कम आएगी और शॉप बहुत बड़ी करने की सोच रहा हूँ मैं, अभी अलग अलग चीज़ करने का सोच रहा हूँ इसमें, अभी करते रहेंगे। मैं सोचा कि और ऑर्डर दे तो, पर मैं बोला कि जितना माल आया है इतना प्रॉफिट कमा ले फिर सारी चीज़ मंगाए, मंगाते जाएंगे इसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा, मंगाते जाएंगे रखते जाएंगे, एक साथ चीज़ मंगाएंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। अपन थोड़ी 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 चीज़ मंगाए उसमें मज़ा नहीं आता है, एक चीज़ मंगाओ तो दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, इसमें यह तकलीफ होती है। 13.23 19.23 लेवल अप हो गया। इनका एक एप्पल है, कार्ड पेमेंट ज़्यादा लेने वाले हैं उसका कार्ड पेमेंट रहे तो फटाफट काम पड़ जाएगा, इतनी लाइन भी तुरंत नहीं लगे क्योंकि कार्ड वाले का तुरंत पड़ जाता है। आई दीदी का देखो 26.14 रुपया रिटर्न करने है। चलो कर देते फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लगता। पहले मेरे को समझने में बहुत तकलीफ हुई थी कि पैसे देने में लेने में, पर अभी तो मज़ा आ रहा है इसमें, समझ गए। फटाफट इसका भी कर देते, इसका कुछ देना नहीं। ओके बाय, थैंक यू, आना हमारी शॉप पे, सबको आना है, नौ दबा दो तो काम हो जाएगा, नौ पॉइंट सिक्सटी
अभी दोस्तों अभी तो दुकान बंद करने का टाइम हो चुका है, पर थोड़े बहुत और टाइम बाकी है, तब तक अपन सारी चीज़ सेल बेल कर देते, फटाफट कर देते, तब हमारा काम ख़त्म हो जाए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से सारी चीज़ ख़त्म कर देंगे, कल से नई ऑर्डर सही सारी पूरी दुकान भरी भरी लगेगी। क्यों एक साथ सारा ऑर्डर देंगे ना तो कल आ जाएगा। क्यों मेरी दुकान इस लाइन के अंदर सबसे अच्छे मेरी दुकान ही चलती है, बाकी की शॉप की इतनी तो चलती नहीं है, पर मेरी दुकान बहुत मस्त चलती है, इसलिए मेरे वहाँ कस्टमर भर भर के आते, लगातार कस्टमर आते ही रहते, रुकते ही नहीं है। दोस्तों अभी मैं 200 क्रॉस करने वाला हूँ, $200 क्रॉस करने वाला हूँ। मैं अभी बहुत कमाया है पैसा, कर लूँगा शायद तक, तो ये वीडियो ख़त्म हो इससे पहले, जब तक नाइट हो जाएगी तब तक ख़त्म कर लूँगा। हो गए मेरे भी, इसमें से मेरे को अभी 600 का तो परचेस करना है जगह, वो दुकान बने करिए 600 की तो दुकान परचेस, खाली जगह परचेस करनी है मेरे को। फटाफट कर लेते हैं, अभी 3 कस्टमर बाकी है, फिर दुकान शायद क्लोज हो जाएगी। हाँ 3 कस्टमर बाकी है खाली, क्यों क्लोज करने का समय आग हो चुका है, बहुत देर तक हो चुके है, लास्ट कस्टमर बाकी है। ये भैया जी हमारे लास्ट कस्टमर है, इनका कस्टमर को पता के। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कल नया वीडियो आएगा उसको देखना जरूरी भूलना मत।